हेलो दोस्तों, मुझे बहुत 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 खुशी है कि आपको मेरा ये वाला मतलब बकेट वॉशिंग मशीन वाला एपिसोड बहुत पसंद आ रहा है। पर दोस्तों, दुख इस बात का है कि यार आप लोग सब्सक्राइब करने में बड़ी ही कंजूसी करते हो, तो इस बार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बकेट वॉशिंग मशीन वाला एपिसोड। बकेट वॉशिंग मशीन की जब बात आ ही गई है, तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। देखना चाहते हैं क्या है? ये दो प्रोडक्ट्स जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं, देखें कितने लाइट वेट है या फिर छोटे हैं, और क्या है ये दो प्रोडक्ट, ये आप जान पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आपको एक बात बता दो कि इन दो प्रोडक्ट से मैं आपको खुद की बकेट वॉशिंग मशीन बनाना बताऊंगी, और वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। तो चलिए जानते हैं इस बकेट वॉशिंग मशीन के बारे में नोविद सुजाता के इस एपिसोड में। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन मैंने अमेजोन से 4699 रुपीस में ली थी, और उसका मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग। चलिए, इसके अनबॉक्सिंग तो हो गई, अब देखते हैं इसे कैसे यूज करते हैं। मैंने इसे बाथरूम में यूज करने की कोशिश की, बट इसका केबल बहुत ही छोटा है, तो मुझे इसे बेडरूम में अटैच करना पड़ा। इसमें मैंने पानी डाला इस लेवल तक और डिटर्जेंट पाउडर ऐड कर दिया। इसमें 4 वॉश साइकिल टाइमर है, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट का। आप अपने हिसाब से या फिर अपने सहूलियत से कोई भी टाइमर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद ये उस टाइमिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसमें मैं एक जीन्स और एक टी शर्ट डाल के देख रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि ये घूमने में थोड़ी दिक्कत कर रहा है, शायद ये बहुत हैवी हो गया है। एक्चुअली इसकी कैपेसिटी 2 किलो की ही है, और मुझे लग रहा है कि जीन्स ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलो का वज़न रहता है जीन्स में, और भीगने के बाद तो ये और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि घूमने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं टी शर्ट बाहर ही निकाल देती हूँ और सिर्फ जीन्स ही धोकर देखेंगे। इस बकेट वॉशिंग मशीन को उठाकर मैंने बाथरूम में इसका पूरा पानी खाली कर दिया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास जगह नहीं है तो ये पाइप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मैंने इसमें पानी डाल के इसको एक बार फिर से 3 मिनट के लिए स्पिन कर दिया। मुझे लग रहा है कि मुझसे वॉशिंग पाउडर थोड़ी ज़्यादा पड़ गई है, इसलिए अभी झाग बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैंने एक बार फिर से पानी कम करके इसमें फिर से नया पानी भर दिया और फिर से 1 मिनट के लिए इसको स्पिन किया। अगर इसका झाग कम हो गया तो मैंने इसे अच्छे पानी में डाल के एक बार निचोड़ लिया, और हाँ, जीन्स अच्छे से निकली है, खुशबू भी इसमें बहुत अच्छे से आ रही है। अगर ये फुल प्रोसेस बाथरूम में ही होती तो शायद मुझे इतना टाइम नहीं लगता ये सब करने के लिए। और लास्ट में कपड़े होने के बाद पूरा पानी फेंक दीजिए और इस बकेट वॉशिंग मशीन को उल्टा करके रख दीजिए, ताकि इसके अंदर जो पानी जमा हुआ है वो सब भी ईजिल निकल जाएगा। दोस्तों, इसे मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो इसमें बहुत सी खामियाँ हैं और बहुत सी खूबियाँ हैं, तो मैं उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी। इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, बहुत ही कम जगह लेती है, इजी टू यूज़ है, और चलाते समय आवाज़ इसकी बहुत ही कम है, मतलब ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है। ये बैचलर्स के लिए, हॉस्टल में रहने वाले लोगों के लिए, न्यूली मैरिड कपल्स के लिए, रेंट पे रहने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है, या फिर जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्हें बार बार कपड़े वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है,
या फिर जिनके कपड़े बहुत डेलिकेट होते हैं या फिर जिनके कपड़ों को सेपरेट धोने की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों के लिए बनी है ये बकेट वॉशिंग मशीन। दोस्तों, इस मशीन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक या प्रॉब्लम ये है कि ये मेड इन चाइना है, मतलब चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। इसके कोई सर्विस सेंटर नहीं है, मतलब एक बार ये ख़राब होगी तो मेरे हिसाब से आप इसे कहीं पर भी ठीक नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये नॉन रिपेयरेबल है, मतलब फ़िलहाल अभी तक तो मेरे हिसाब से। इसकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी वायर बहुत छोटी है, मतलब अगर आप बाथरूम में इसको रखते हैं तो आपकी कनेक्शन ऊपर रहता है तो ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तीसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 kg की ही है, मतलब जीन्स ऑलमोस्ट गीली होने के बाद 2 kg का वज़न ले लेती है। तो मैंने धोते समय एक जीन्स और टी शर्ट डाला, बट घूमने में से प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे टी शर्ट बाहर निकालना पड़ा, तो इसने सिर्फ जीन्स को ही धोया। मतलब ऐसे करेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा कपड़े धोने के लिए। तो अगर आपके पास बहुत ही कम कपड़े हैं, डेलिकेट कपड़े हैं, तो ये मशीन बेस्ट है। मोटे कपड़े जैसे कि चादर, पर्दे, इनके लिए मशीन नहीं बनी हुई है। फोर्थ ड्रॉबैक, इसकी एक और बात जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब मैंने इसे 4699 में लिया है, इसमें मैं 1500 से 2000 और एक्स्ट्रा डाल देती तो मुझे ये वाली वॉशिंग मशीन ईजिली मिल जाती, जिसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है और इंडिया मेड है, तो आपको सर्विसिंग में भी उसके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वॉशिंग मशीन के बारे में मेरी जितनी नॉलेज है या फिर मैंने इसके बारे में जितनी R&D की है मैंने आपको सब बता दिया। अभी आपके ऊपर है कि आपको इसे परचेज करना है या नहीं, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आपके इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर भेज दीजिए, आई विल डेफिनेटली गोना आंसर दैट। और आपको याद ही है ना, मैंने जैसे बताया था कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिर्फ 2 प्रोडक्ट से 1500 रुपये में बकेट वॉशिंग मशीन बनाना बताऊंगी। तो जानने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नो विद सुजाता। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।